तो हेलो गाइस, मैं हूँ आयुष। तो आज हम बात करेंगे गोल्डफिश के बारे में। तो गाइस, गोल्डफिश एक ऐसी फिश है जो कि आँख खोल के ही तैरती है और आँख खोल के ही सोती है। तो अगली बात हम करते हैं गोल्डफिश के बारे में, वो है टेम्परेचर। आजकल चल रही हैं सर्दियाँ, तो आपको वैसे हीटर लगाने की ज़रूरत तो है, बट अगर आप हीटर नहीं लगाओगे तब भी ये जो गोल्डफिश है हमारी, ये जीवित ही रहेगी, मरेगी नहीं, क्योंकि इसको जो है 18 डिग्री सेल्सियस तक ये ज़िंदा रहती है। तो अगर आप हीटर नहीं लगाओगे तब भी ज़िंदा रहेगी, बट ठंड चल रही है तो हीटर इसे चाहिए ही चाहिए। ऐसा मत करो कि आपकी फ़िश मर जाए। तो ध्यान रखो कि आपने हीटर लगाया हो अपने एक्वेरियम में, और हीटर का जो टेम्परेचर सेट करोगे आप, वो 22 पे सेट करो, सही रहेगा। ना ज़्यादा कम होगा ना ज़्यादा ज़्यादा होगा, इसे भी चलना चाहिए पता कि सर्दियाँ चल रही हैं। तो 22 बिल्कुल सही है, इस टाइम टेम्परेचर 22 पे रखो सेट करके, बिल्कुल बढ़िया रहेगा। तो गाइस, अगली बात हम करेंगे गोल्ड फिश के बारे में, वो है गाइस का टैंक मेट्स। टैंक मेट्स से मैं कुछ आपको ऐसा नाम नहीं बता रहा, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे सीक्रेट वैरायटी हो गई, इनके साथ आप मत रखना। सॉफ्ट फिशेज़ जो हो गई और जो कि स्लो स्विम वाली फिशेज़ हो गई, आप रख सकते हो उनके साथ। और स्लो स्विम में अगर हम बात करते हैं, आप गोल्ड के साथ गोल्ड ही रखो, चाहे वरैंडाज रख लो, चाहे कुछ भी रख लो, बट गोल्ड के साथ गोल्ड ही रखो। कोई फिश रख सकते हो आप, एक बार कोई फिश भी इसी कैटेगरी की है आप रख सकते हो। बस बट गाइस, मोली फिश मत रखना, क्योंकि मोली फिश जो होती है वो फिन निपिंग करती है, टेट्रा फिश भी फिन निपिंग करती है, तो मत रखना। ऐसा ना हो कि गोल्ड फिश के बहुत अच्छे फिन्स जो आते हैं वो टूट जाएँ। आप देख सकते हो मेरे एक्वेरियम में सिर्फ एक कोई फिश है और गोल्ड फिश है, दो गोल्ड और बाकी सारी कोई हैं। कोई कोई जब बड़ी हो जाएंगी, मैं कुछ टाइम में अपने पॉन्ड में डाल दूंगा, पॉन्ड में बनवा रहा हूँ उसमें मैं डाल दूँगा, फिर कोई फिश को, फिर इसमें सिर्फ गोल्ड रहेंगी। तो गाइस, थोड़ा बड़ा होने देते हैं इन्हें। अब हम बात करते हैं आगे, और कई कई लोग पूछते हैं कि सकर फिश रखें साथ में या ना रखें। तो गाइस, मैं तो सकर फिश रखी हुई है, आप देख सकते हो मेरी फिल्टर के पीछे छुपी हुई है, बहुत छोटी सी सकर फिश है मेरी। ये 3 या 4 महीने की फिश है सकर फिश, क्योंकि 2 महीने तो मुझे लाए हुए हो गए यहाँ पर। वो जो मेरा एक्वेरियम वाला है वो कहता है इसे अभी 1 महीना हुआ है, तो लगभग आप देख सकते हो कि गाइस 3 महीने हो गए हैं सकर फिश को, एंड ये छोटी सी है तो इन्हें कुछ नहीं कहती है। गाइस, अब हम बात करते हैं फूड का खिलाएं इन्हें। तो गाइस, गोल्ड फिश है, आप ऑप्टिमम 3 in 1 खिला सकते हो गोल्ड को भी, कोई को भी। गोल्ड फिश का बहुत अच्छा कलर आएगा, फिर ऑप्टिमम 3 in 1 फूड बेस्ट रहेगा। मैं भी ये खिलाता हूँ, तो आप देख सकते हो मेरा कलर कैसा आ रहा है कोई फिशेज़ को। अभी 1 महीना 2 महीना हो चुका है इन्हें लाए हुए, तो आप देख सकते हो कैसा इनका रंग है, कैसा आ रहा है, आप देख सकते हो ऑप्टिमम 3 in 1 का कमाल। अब हम बात करेंगे हीटर। मैंने आपको बता ही दिया कि आपको हीटर लगाना जरूरी है, और सेट करो 22 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस पर सेट कर दो उसे। फिल्टर की बात करते हैं गाइस हम। गाइस, ये जो फिशीज़ हैं आप देख सकते हो मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है, और फ़िल्टर मेरा चल रहा है, आपको पता नहीं चल रहा, क्योंकि जो मेरा फ़िल्टर है इसका मैंने जो आगे प्रेशर, जहाँ से प्रेशर मारता है वो जगह मैंने इसकी हटा रखा, मतलब वो जगह मैंने इसकी बंद कर रखी है, तो सिर्फ जो भी उनका पूप होता है वो खींच लेता है और साफ़ पानी निकालता है। ये आपको आप देख रहे हो वीडियो में कि कितना मतलब फ़िल्टर चल रहा है और साफ़ कर रहा है हमारा एक्वेरियम। अब गाइस, बात करते हैं एयर पंप की। एयर पंप जैसे हो गया ऑक्सीजन, जैसे आप बोलते हो ऑक्सीजन पंप, एयर पंप एक ही चीज़ है। तो गाइस, इस फिश को सबसे ज़्यादा एयर पंप की ज़रूरत होती है, मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है पानी में, तो अच्छा वाला एयर पंप यूज़ करिए, सोबो का यूज़ करिए, अच्छा ही रहेगा। तो गाइस देखो, जैसे मैंने अभी अभी अपना ऑक्सीजन ओ सॉरी एयर पंप ऑफ करा है, एंड अब मैं इन फिशेज को जो है खाना डालूंगा, जो कि है ऑप्टिमम 3 in 1। एंड अब देखना थोड़ी देर में ही कि कैसे मेरी फिशेज जो है 1 मिनट में ही ऊपर आ जाएंगी खाना खाने के लिए। तो गाइस देखिए, गोल्ड फिश को एकदम चल गया पता है खाना ऊपर आया, और ये सारी एकदम ऊपर आ गई क्योंकि मैंने खाना डाल दिया ऑप्टिमम 3 in 1। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि खाना खा रही है मेरी फिशेज। ये देखिए गाइस, फिशेज आराम से अपना खाना खा रही है, ऊपर आ चुका खाना, फ्लोटिंग फूड है ये गाइस। कई लोग कहते हैं कि फ्लोटिंग फूड से जो है पेट में हवा भर जाती है, तो ऐसा कुछ है नहीं, वो अपने आप उनका निकल जाता है आराम से। फ्लोटिंग फूड ऑप्टिमम 3 in 1 फ्लोटिंग फूड ही है, आप डाल सकते हो, फूड बहुत अच्छा है ऑप्टिमम 3 in 1। तो गाइस, फूड की बात हम कर ही रहे हैं, तो हम आपको एक और बात बता दें, हफ्ते में आप इन्हें ट्रीट दिया करिए, और जो ट्रीट के आप देते हो उसमें ब्लड वॉर्म्स खिलाओ, बहुत अच्छा रहेगा, आपको देने ही जरूरी हैं इन फिशेज़ को हफ्ते में एक बार ब्लड वॉर्म्स। गाइस, ये फिशेज ज़्यादा श्रिम्स नहीं खाती हैं, बट एक्चुअली जो मेरी फिशेज हैं ये श्रिम्स खा लेती हैं, क्योंकि जो कोई फिश है वो फिश श्रिम्स खा रही है, तो उन्हें देख के जो मेरी गोल्ड फिश है वो भी श्रिम्स आसानी से खा पाती है। तो गाइस, अब है मेन मुद्दा कि सर्दियां चल रही हैं, तो अपनी फिश की हम कैसे केयर करें। तो गाइस, सर्दियों में केयर ज़्यादातर अपना हीटर मतलब ऑन रखो 24/7, बट ध्यान रखो कि 22 पे ही अपना सेट करो अपना आराम से हीटर। अगर थोड़ा सा बढ़ भी जाए तो कम से कम 24 पे पहुँचे, और अगर कम रह जाए तो कम से कम 20 21 तक पहुँच जाएगा, तो कोई भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
सर्दियों की यार ये है कि आपको दिन में सिर्फ 2 बार फूड देना है, एक सुबह एक शाम, 2 बार आपको फूड खिलाना है अपने फिशेज़ को, बिल्कुल हेल्दी रहेंगी फिशेज़। आप कलरेशन देख पा रहे हो मेरी फिशेज़ का कैसा है गाइस। अब बात आती है कि कितनी जल्दी ग्रोथ कर जाएंगी और हम इनकी ग्रोथ जो है जल्दी कैसे करवा पाएंगे। तो गाइस फिश की जो ग्रोथ होती है वो सिर्फ पहले साल में अच्छी होती है। आप ये देखिए मेरी फिशेज़ जो हैं लगभग 3 या 3 इंचज़ की होंगी। तो गाइस इन्हें अभी लगभग मेरे ख्याल से 6 महीने हुए हैं। आप ये देखिए एक साल में फिश जो होती है, एक गोल्ड फिश, वो सिर्फ 5 से लेकर 6 इंच तक बढ़ती है एक साल में। जैसे ही ना दूसरा साल होना शुरू हो जाएगा, ये पूरे साल में सिर्फ आधा या 1 इंच ही बढ़ पाएंगी दूसरे साल में। फिर मतलब और कम हो जाएगी इनकी इंचज़ बढ़नी, ये तो क्योंकि बहुत आराम से बढ़ती हैं लेट। अब जो भी होते हैं बिगनर्स जो होते हैं सबसे पहले लेके आते हैं गोल्ड फिश को, क्योंकि जो अच्छी लगती है और सबसे चीप जो फिशेज है फिश है वो एक गोल्ड फिश ही है। ये मेरी एक फिश जो मुझे पड़ी थी वो 40 रुपीज़ के अराउंड पड़ी थी। 40 रुपीज़ की एक फिश इसलिए लोग ले आते हैं सबसे पहले, जो भी एक्वेरियम हॉबी रखना शुरू करते हैं या फिर जो भी है जो भी एक्वेरियम घर में रखते हैं वो लोग सबसे पहले गोल्ड फिश को ही लेके आते हैं, क्योंकि सबसे सस्ती फिश और अच्छी फिश, इसके फिन्स भी अच्छे होते हैं, वो यही पड़ती है लोगों को, तो लोग यही लेकर आते हैं अपने घर पर गोल्ड फिश। तो इन्हें खाना खिलाना है आपको ऑप्टिमम 3 इन 1। आप देख ही सकते हो कितना अच्छा ये खाना खा लेती हैं, कितने आराम से, और इन्हें अच्छा भी रहेगा इन्हें कलेक्शन के लिए। और थोड़ा ग्रुपिंग में रखिए इन गोल्ड फिश को, अच्छा रहेगा, आराम से दौड़ेंगी, आराम से खाएंगी, एक साथ खुश भी रहेंगी, खेलेंगी आराम से। और दिक्कत जो इन्हें हो जाती है, इनके फिन रोट होती है, और जैसे आप देखते हो ईच की दिक्कत भी हो जाती है इन्हें, जिसे आप वाइट स्पॉट्स बोलते हो। तो वो कैसे ठीक करना है, अगर इन्हें ईच की वो वाइट स्पॉट्स की दिक्कत होती है तो मिथाइल ब्लू की एक दवाई आती है, जिसे आप मिथाइल ब्लू बोलते हैं, ब्लू कलर की दवाई होती है वो, रिडोल की बहुत अच्छी होती है। आप वो डालिए, एक 1 टीस्पून डाल दीजिए, वो हाफ टी स्पून ही बहुत है, हाफ टी स्पून डाल दीजिए, मतलब ऐसा आपको 3 दिन करना है एंड ये जो हमारी फिश है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कोई इसका जो भी है आपको 3 दिन बाद या फिर बिल्कुल भी आपको वाइट स्पॉट दिखेंगे नहीं इसमें। और अपना हीटर ऑन रखिए 24x7, उसका टेम्परेचर आप कर देना 26 पे, तो बिल्कुल सही रहेगा। और अगर आपको लगता है कि अगर आपकी जो सकर फिश है वो इन्हें चेज कर रही है, परेशान कर रही है, मतलब कोई दिक्कत दे रही है इनके फिन को खाने की कोशिश कर रही है, आप बिल्कुल सकर फिश को निकाल दीजिए, क्योंकि सकर फिश बिल्कुल इन्हें ख़त्म कर सकती है, बिल्कुल सकर फिश आराम से इन्हें मार सकती है, क्योंकि सकर फिश जो होती है एकदम पकड़ लेती है गोल्ड फिश को और सांस भी लेने देती है, जो भी इनके ऊपर मतलब लग रहा होता है वो सकर फिश कोशिश करती है खाने की, तो उस वजह से जो है गोल्ड फिश मर जाती है। ऑक्सीजन लेवल आप अपना अच्छा रखिए गोल्ड फिश के एक्वेरियम में, जितना ऑक्सीजन अच्छा रहेगा उतना ही आपका गोल्ड फिश ज़्यादा जिएगी। अपना पानी बिल्कुल साफ रखिए, मेरा पानी थोड़ा सा आपको गंदा लग रहा होगा, आप इतना भी साफ़ है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा जो है पानी को साफ करे हुए 1.5 महीना हो चुका है, लगभग 1 से 1.5 महीना। तो आप देख ही रहे हो मेरे एक्वेरियम की ताकत कितनी है कि वो 1.5 महीने तक साफ़ कर रहा है। और मेरा पानी अगर मैं आपको गिलास में निकाल के दिखाऊंगा अभी, तब भी बिल्कुल प्योर रहेगा, बिल्कुल वाइट रहेगा आपको गिलास में भी, क्योंकि इतना मेरा पानी सब इस टाइम वाइट है। थोड़ा सा बस वो गिलास हमारा वो है क्या नाम, एक्वेरियम का जो गिलास है वो थोड़ा सा गंदा हो रहा है, इधर आप देख सकते हो ऊपर से थोड़ा सा वो बस गंदा हो रहा है, बाकी हमारा एक्वेरियम बहुत बढ़िया है। तो अभी कई लोग मेरे कमेंट में बोलने वाले हैं कि आपने 1.5 महीने से पानी चेंज नहीं करा है तो फिश की ग्रोथ कैसे होगी। तो आपको बहुत जल्दी ही वीडियो मिल जाएगी कि मैंने 1.5 महीने से लेकर मतलब क्यों पानी चेंज नहीं करा और इतना पानी मेरा बढ़िया बिल्कुल साफ कैसे है। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल एंड फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम पे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ गुड डे।